हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल शालिनी फूड पार्ट में। मैं शालिनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ दिल्ली की फेमस राम लड्डू की रेसिपी। तो फिर आइए बनाते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अब मैं आपको सिखाती हूँ सबसे पहले इसकी चटनी बनाना। राम लड्डू की चटनी बनाने के लिए मैंने ये मूली के पत्ते लिए हैं। ये मैंने मूली से अलग करके इन्हें अच्छी तरह से धो लिया है। अब हम इसे मिक्सी के जार में डाल देंगे। राम लड्डू की चटनी मूली के पत्तों से ही बनाई जाती है क्योंकि इसमें तीखापन होता है। इसके लिए हम इसमें 3 हरी मिर्च डाल देंगे, थोड़ा सा हरा धनिया हम इसमें डाल देंगे और थोड़ा सा पुदीना ग्राइंड कर लूँगी। अब ये हम मैंने मिक्सी में इसे ग्राइंड कर लिया है, अच्छी तरह पीस लिया है। अब मैं इसको एक बाउल में निकाल लूंगी। आधा चम्मच मैं इसमें नमक मिला दूंगी। आप चाहें तो काला नमक भी डाल सकते हैं। अब इसे थोड़ा खट्टा टेस्ट देने के लिए इसमें मैं ये नींबू निचोड़ देती हूँ। मैंने इसमें एक नींबू निचोड़ दिया है। इसमें एक चुटकी हींग भी डाल दूंगी। आप चाहें तो शुरू में भी डाल सकते हैं हींग जब आप इसे ग्राइंड करते हैं, नहीं तो अभी भी डाल सकते हो। मेरे पास ये हींग का पाउडर है, ये इसमें अभी भी मिक्स हो जाएगा। तो ये हमारी चटनी बनकर तैयार है। इसे आप राम लड्डू के ऊपर डालकर इंजॉय कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे थोड़ी सी पतली कर लें, थोड़ी सी थिक लग रही है मुझे। ये देखिए, ये हमारी परफेक्टली चटनी बनकर तैयार हो गई है। मेथी की चटनी बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच धनिया पाउडर या साबुत धनिया भी ले सकते हैं। अगर आपके पास साबुत आमचूर पाउडर है, आमचूर है तो आप ले सकते हैं। 1 चम्मच आमचूर पाउडर, 1/4 चम्मच से थोड़ी कम हींग पाउडर और ये अदरक का पाउडर जिसे हम सौंठ कहते हैं, 1/2 चम्मच। 1/2 चम्मच काला नमक, पिसी हुई सौंफ है या साबुत सौंफ ले सकते हैं। 1 चम्मच लाल मिर्च। अब हम इस सबको इस बर्तन में डाल देंगे और इसमें 1/2 कटोरी पानी डाल देंगे और इसमें बॉईल होने तक हम इसे पकाएंगे। इसमें एक उबाल आ जाएगा तब तक हम इसे पकाएंगे, उसके बाद हम इसे मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। इस तरह की चटनी रेडीमेड भी मिलती है बाजार में। आप चाहें तो रेडीमेड चटनी भी यूज कर सकते हैं, उसे गर्म पानी में लाकर उबाल कर फिर उसे मिक्सी में ग्राइंड कर लेते हैं। अगर हमारे पास रेडीमेड चटनी नहीं है तो हम इस तरह से घर पर भी बना सकते हैं। ये देखिए, ये बॉईल हो गई है, ठंडा होने के लिए रख दूंगी जब तक हमारी मेथी भी और फूल जाएगी और उसके बाद हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारी चटनी पिस गई है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। देखो काफी अच्छी खुशबू इसमें आ रही है। ये ज्यादातर बाजार में कचौड़ी बेड़मी के साथ मिलती है, ये वही चटनी है। राम लड्डू बनाने के लिए मैंने ये 1 कटोरी मूंग की दाल ली है। मूंग की दाल इसे मैंने ओवरनाइट भिगो लिया था और अब ये 1 कटोरी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है क्योंकि ये गलने के बाद थोड़ी सी बढ़ जाती है। 1/2 कटोरी चने की दाल ली है और 1/2 कटोरी मैंने उड़द की दाल ली है। तो ये सारी
मैंने कम ली थी, उड़द की दाल मैंने आधी कटोरी से कम, एक चौथाई कटोरी ली थी, जो कि फूल कर इतनी हो गई है, और चने की दाल मैंने एक चौथाई कटोरी ली थी। तो यानी कि हम गलाएंगे तो ये फूल कर थोड़ी थोड़ी बढ़ जाएंगी। इसी तरह से मूंग की दाल भी थोड़ी ज़्यादा हो गई है, डेढ़ कटोरी हो गई है। अब हम इन्हें एक मिक्सर के जार में डाल देंगे। देखिए मैंने ये तीनों डाल दी हैं। इसके अलावा इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए हम इसमें दो हरी मिर्च और एक अदरक का टुकड़ा इसमें डाल देंगे। अब मैं इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लूँगी। अब ये हमारा दाल पिसकर तैयार हो चुकी है, ये देखिए। अब हम इसे एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसमें मैंने बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाला है, हम इसे थिक ही रखेंगे। अब ये मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है इसमें। अब हम इसे एक ही डायरेक्शन में घुमाएंगे। मैंने इसमें बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं किया है, थोड़ा सा पानी जिससे हमारे मिक्सर में ये ग्राइंड हो जाए, मैंने उतना ही पानी ऐड किया है। अब हम इसे एक ही डायरेक्शन में घुमाएंगे जब तक कि इसमें एयर ना भर जाए और ये थोड़ा सा फ्लफी ना हो जाए। ज़्यादातर तो इसे मैंने देखा है बाहर इसे हाथ से ही अच्छी तरह फेंटते हैं, लेकिन आप हाथ से फेंटते हो तो ये जल्दी फिट जाएगा और इसमें जल्दी सॉफ्ट भी हो जाएगा। हमें ये इतना फेंटना है जिससे इसका ये कलर भी चेंज हो जाए और ये बिल्कुल मक्खन जैसा सॉफ्ट हो जाए। और हाँ, सबसे बड़ी टिप ये है कि इसे फेंटते समय हम इसे ध्यान रखें कि इसे हमें एक ही डायरेक्शन में फेंटना है, जिससे कि हाँ थोड़ा सा ये मेहनत का काम है, इसमें हमें 10 मिनट ये फेंटना है, लेकिन जितना अच्छा हम इसे फेंटेंगे इसके उतने ही अच्छे राम लड्डू बनकर आएंगे। ये देखिए इसका थोड़ा कलर भी चेंज हो गया है। अब हम इसमें ये हरा धनिया डाल देंगे क्योंकि मैंने पहले से ही काट कर रखा है, और थोड़ी सी हींग इसमें ऐड कर देंगे, ये छोटी वाली चम्मच, चौथाई चम्मच। अब हमें फिर से उसी डायरेक्शन में इसे कंटिन्यू चलाएंगे। ये देखिए अभी हमारा सॉफ्ट हो चुका है, इसका कलर भी एकदम चेंज हो गया है, इसमें एयर भर चुकी है और ये देखो फ्लफी दिखने लगा है। अब इसे 10 मिनट के लिए हम एक से एक साइड रख देंगे जिससे थोड़ा सा और फूल जाए। अब हम इसमें एक सबसे ज़रूरी चीज़ और सबसे मेरी इम्पोर्टेंट टिप है वो ये है, आप नमक डालेंगे। अब हम जब हमारा बैटर बनकर तैयार हो जाए तब हम इसमें नमक मिलाएंगे। ये देखिए मैं इसमें आधा चम्मच नमक डाल देती हूँ, यानी कि ये छोटा वाला एक चम्मच और जो चम्मच सिंपल खाने की होती है वो आधा चम्मच। आप चाहे तो स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसे मिक्स कर देंगे। नमक पहले डालने से ये बैटर पानी छोड़ देता है, इसलिए हम नमक को सबसे एंड में डालते हैं। देखिए मैंने इसे मिक्स कर लिया है और अब मैं आपको पकौड़े बनाना सिखाने जा रही हूँ। अब ये हमारा बैटर बनकर तैयार है और मैंने एक कटोरी में पानी ले लिया है जो कि हमें लड्डू बनाते समय काम में आएगा। अब मैंने हमारा ये ऑयल भी गर्म हो चुका है, मैंने ये कढ़ाई में ऑयल ले लिया है। आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं, रिफाइंड ले सकते हैं, मैंने ये तिल का तेल लिया है। अब आप इस तरह से सबसे पहले हाथ गीला कर लें और फिर इस तरह से तीन ये अपनी उंगलियों से या अपनी चार उंगलियों से इस तरह से लें और इसमें अंगूठे से छोड़ दें। मैं फिर से दिखाती हूँ, फिर से हम इतने हाथ धो लेंगे इस कटोरी में पानी में ऐसे, और फिर से मैंने ये चार उंगली से लिया है और मैंने ये ऊपर से छोड़ दिया। इस तरह से हम इसे कंटिन्यू करते जाएंगे। रेसिपी मैं बाकी भी सारे इसमें डाल दूंगी। आप चाहें तो चम्मच से भी डाल सकते हैं,
लेकिन चम्मच से डालने का तरीका भी आना चाहिए। इसके लिए हम इस तरह से चम्मच में स्टार्टिंग में लेंगे और थोड़ा सा इसमें गिरा देंगे इस तरह से। ये चम्मच के टिप पर ही हमें लेना है, चम्मच के टिप पर, और मैं इसे इस तरह से डालती जाऊंगी। मैंने गैस की फ्लेम थोड़ी कम ही रखी है, स्लो रखी हुई है, क्योंकि हम जब डालते हैं तो इसकी फ्लेम स्लो ही रखते हैं, उसके बाद हम इसे फास्ट कर सकते हैं, तेज कर सकते हैं। ये देखिए मैंने ये पूरा डाल दिया है, इससे हमारी कढ़ाई पूरी भर चुकी है। एक बार में जितना स्पेस है आप उतना डाल सकते हैं। अब हम इन्हें धीरे धीरे पलट देंगे। ये देखो सेक चुके हैं एक साइड से। इस तरह से मैंने ये धीरे धीरे ये सारे पलट दिए हैं, जो एक दो रह गए ये देखो ये भी मैं पलट दे रही हूँ। अब ये सारे पलट चुके हैं, अब हम इन्हें दूसरी साइड से भी सिकने देंगे। जब तक ये हल्के सुनहरे ना हो जाए हम इसे नहीं निकालेंगे। ये देखो ये सिक चुके हैं, दोनों साइड से सिक चुके हैं और अच्छी तरह से सुनहरे हो गए हैं, सुनहरा रंग आ गया इसमें। अब हम इन्हें निकाल लेंगे, गैस को स्लो कर देंगे और अब हम इन्हें निकाल लेंगे। ये मैंने टिश्यू पेपर लगा लिया है जिससे इनका एक्स्ट्रा ऑयल एब्जॉर्ब हो जाए। काफी क्रंची बने हैं ये, देखो आवाज से पता ही चल रहा होगा कितने क्रंची बने हैं। एक मैं तोड़ के दिखाती हूँ आपको, ये देखिए गर्मा गर्म, अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से क्रंची। अब बारी है इसको सर्व करने की। इसके लिए हम इस तरह से प्लेट में ये हम रख देंगे। ये मैंने इस प्लेट में रख दिए हैं और अब हम इसके ऊपर, ये मैंने पहले से ही ग्रेट की हुई मूली रखी है, इसे मैंने कद्दूकस कर लिया है, इसको हम इसके ऊपर डालेंगे। मूली ही इसका सबसे जरूरी हिस्सा है, इसका मेन पार्ट जो है वो मूली ही है। राम लड्डू मूली के बिना नहीं बन सकते हैं। इसको मैंने अच्छी तरह से चारों तरफ डाल दिया है, ये देखिए। अब हम इसके ऊपर ये जो हरी चटनी मैंने पहले से तैयार करके रखी थी, इसको हम इसमें मैं एक चम्मच ये चटनी मिक्स कर लूंगी, मेथी चटनी। इसको मिक्स करके हम इसके ऊपर ऐसे डालेंगे, अच्छी तरह से हम ज्यादा सी चटनी इसके ऊपर डालते हैं जिससे कि हम इसमें टेस्ट ला सकें। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी मेथी की चटनी भी ऊपर से डाल दो अगर आपको तीखा चाहिए तो, नहीं तो इसमें सिर्फ हरी चटनी से ही काम हो जाएगा। हरी चटनी में हम मेथी की चटनी मिक्स कर लेते हैं। आप चाहें तो इसे अगर मीठा बनाना चाहते हैं तो इसमें ऊपर से थोड़ी इमली की चटनी भी डाल सकते हैं, वरना हम इसको ऐसे ही खाते हैं। अब हम इसको खाने के लिए कोई टूथपिक, कोई फॉग वगैरह यूज नहीं करेंगे, हम इसे डायरेक्ट ऐसे उठाएंगे और ऐसे खा लेंगे। बहुत ही यम्मी बना है, तो आप भी बनाइए और खाइए।
और घर में सबको खिलाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कि कैसा बना मेरा राम लड्डू, राम लड्डू की रेसिपी कैसी लगी आपको। तब तक के लिए मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए आप इंजॉय करिए। बाय, टेक केयर।